अस्सलामुअलैकुम बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था, कुरान पाक के आदाब का सबक समझाया था, अब आज मैं आपको वर्कशीट के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले आपने वर्कशीट में माह जनवरी का टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद सारे वर्क बनाएंगे कुरान पाक के आदाब। इसके बाद इस सारे वर्क में आपके मुख्तसर सवाल, अल्फाज मानी, तफसीली सवाल, खाली जगह, ये सब आपका टाइटल पेज बनेगा। इसके बाद है आपके पास के अल्फाज मानी, हिदायत, रहनुमाई, ऊंचा मर्तबा, बुलंद मकाम, इबादत गुजार, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला, अशरफुल मखलूकात, मखलूक में सबसे अफजल, हबीब, दोस्त। इसके बाद आप अगले पेज पर मुख्तसर सवालात की हेडिंग डालेंगे और इसमें ये मुख्तसर सवालात आपके पास मौजूद हैं। पहला सवाल है, वो कौन सी किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है? जवाब इसका कुरान पाक। नंबर दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? नंबर तीन, कुरान पाक। नंबर तीन, कुरान मजीद को छूने से पहले क्या करना चाहिए? जवाब इसका वुज़ू करना चाहिए। पाँच, चार, कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? जवाब, सात मंजिलें। पाँचवा सवाल है, कुरान पाक के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? जवाब, बेशक तुम इंसानों के पास आए अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोशन किताब यानी कुरान मजीद। सवालात की हेडिंग डालिएगा, इसके लिए आप बुक अपना सामने रखिएगा ताकि आपको उसके जवाब बुक में से ही मिलेंगे। पहला सवाल है, सवालात आपके पास बुक में भी मौजूद हैं। सवालात आपके पास यहाँ बुक में भी चारों मौजूद हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप उसे भी देख लीजिए। सबसे पहला सवाल है आपके पास, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ते या सुनते तो आपकी क्या कैफियत थी? जवाब आपको 69 पेज पे मिल जाएगा। यहाँ से आप शुरू कीजिएगा जहाँ पे लिखा है अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करके आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। मुबारक आँखों से आंसू जारी हो गए, ये आपका नंबर एक का जवाब है। नंबर दो सवाल है, सहाबी रसूल हज़रत उसैद के साथ क्या वाक़या पेश आया? इसके लिए पेज नंबर 70 पर आप जाइएगा, जहाँ पर यह पैराग्राफ आपका आखिरी वाला नज़र आ रहा है आपको। उसैद बिन उज़ैर बहुत प्यारी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करते थे, यहाँ से शुरू करके और ये वो फरिश्ते सुबह तक मौजूद रहते। यहाँ तक आपका दूसरे सवाल का जवाब है।